तीसरा दिन 10 तारीख को मैं ये रात बर्मन घाट पे राधे श्याम धर्मशाला है वहाँ मैं रुका था। और यहाँ पर धर्मशाला में बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है, विथ फैमिली भी यहाँ रह सकते हैं, एक सेपरेट रूम भी मिल जाता है बहुत नॉमिनल चार्ज में, 100 रुपये में इन्होंने वो कर दिया, उसमें खाना भी दिया। और सवेरे का मैंने उनको बोला कि हमें चावल दाल बना दीजिए। अब इसके बाद हम ये स्थान बर्मन घाट नरसिंहपुर में ही आता है, इसके बाद हम गाडरवारा के लिए प्रस्थान करेंगे। बर्मन घाट ये पूरा धर्मशाला है, बर्मन घाट पे बिल्कुल एकदम मैया जी के किनारे ये धर्मशाला है। ये यहाँ पर माता जी का दर्शन होते रहते हैं इसी धर्मशाला के प्रांगण से। ये आप देख सकते हैं नर्मदा जी का किनारा, ये नर्मदा जी यहाँ पर दो धाराओं में आकर के उतरती है, एक धारा तो आपको इस तरफ से दिख रहा होगा, एक धारा उस तरफ से भी आ रही है। बीच में ये बीच में अच्छा बड़ा टापू है और मंदिर भी है, हम तो अभी नहीं जा सकते, ये बीच में टापू का आपको दिख रहा होगा। ये धर्मशाला के अंदर भीष्म पितामह की मूर्ति दिख रहा है, ये भीष्म पितामह की पहली बार मैं देख रहा हूँ भीष्म पितामह की मूर्ति। और ये कौरव समाज, कौरव जो कौरव पांडे थे, तो कौरव समाज का ये धर्मशाला है और यहाँ पर कौरव सरनेम का लोग बहुत मिलते हैं।